नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से है जहां भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ रिपीट खबर रीवा से है जहां भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के लोग आरोप लगाए के केवीएम कॉन्वेंट स्कूल प्रशासन कोरोना काल के फीस जबरन वसूल कर रहा है। वह फीस न दे के वजह में ही बच्चन का परीक्षा दे से वंचित किन जा रहा है। संगठन के लोग यह बताएं कि स्कूल प्रशासन कोरोना के समय में ही ऑनलाइन कक्षा संचालित नहीं करे रहे, एक बाद पढ़ाई के नाम पर केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करे रहे हम। वह कोरोना काल में ही कारोबार बंद हो के लाने परिजन शिक्षण शुल्क दे में सक्षम नहीं आई, जैसे बावजूद विद्यालय प्रशासन फीस न दे के लाने बच्चन का ही परीक्षा से वंचित कर रहा है। ऐसे में संगठन प्रशासन से हस्तक्षेप करे के मांग कई के जिला शिक्षा अधिकारी का ज्ञापन सौंपी नहीं, आई सुनाई थे कार्यकर्ता का बताई। आज आप ज्ञापन सौंपे हैं किस जी? आज हम ज्ञापन और नामजद शिकायत सौंपे हैं जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा शिक्षा के पवित्र मंदिर को वसूली का और व्यापार का केंद्र बनाया हुआ उसके खिलाफ केवीएम कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक द्वारा बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। जैसा कि प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है उसमें बच्चों को परीक्षा के पेपर नहीं दिए जा रहे हैं, ना कॉपी दी जा रही है। फीस को लेके जो कि कोविड काल के दौरान पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, उसमें रीवा ज़िले में भी लगा हुआ था, पर जब पढ़ाई नहीं हुई तो उसकी फीस काहे की दें? ना तो किसी तरह की ऑनलाइन क्लासेस ली गई थी, ना कोई लाइव क्लासेस ली गई थी, उसके बाद भी ज़बरदस्ती केवीएम कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक द्वारा बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है और उनके ऊपर दबाव बना जा रहा है अभिभावकों के ऊपर। शिक्षा अधिकारी के द्वारा क्या शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, और अगर अब हमने आज दिया है ज्ञापन, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम जिला कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और उसके बाद फिर सभी छात्र को लेकर हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। नाम बता दें? नाम रवि सुमित सिंह, NSVI जिला उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा के अंतर्गत राज्य स्तरीय बालीबाल प्रतियोगिता के आयोजन शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में कीनगा। ये प्रतियोगिता में ही मध्य प्रदेश के रीवा, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और भोपाल और साथ ही सागर संभाग की टीम हिस्सा ली, जहां शनिवार का इनकर फाइनल मुकाबला खेला जाए। आई दिखाई थे खेल के कुछ अंश और बारे में उपस्थित लोग का बताई है। कैप्टन उज्जैन की वॉलीबॉल प्रतियोगिता है जी। हाँ, आज वॉलीबॉल मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2021-22 सत्र में आज यहाँ पे वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। TRS कॉलेज को इसकी मेजबानी का अवसर मिला है और उस सबको देखते हुए आज यहाँ पे आयोजन हो रहा है। कहाँ कहाँ से टीमें आई हैं, कितनी टीमें जी इस प्रतियोगिता में? मध्य प्रदेश के सभी संभागों की टीमें हैं, जैसे कि रीवा आपके छिंदवाड़ा, आपके ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल और सागर संभाग की टीमें इसमें शामिल हैं। यह प्रतियोगिता कब तक चलेगी? यह प्रतियोगिता कल समाप्त होंगी, कल इसके फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। चोराटा थाना क्षेत्र में ही इस समय राजनीतिक दबाव के चलते जहां कई झूठा आरोप गढ़ के लोगन का ही अपराधी बनावा जा रहा है, वहीं अपराधियों का भरपूर संरक्षण मिल रहा है। ऐसा एक मामला धवैया गांव से सामने आवा, जहां दिन दहाड़े हथियार बंद सरहंग निर्माणाधीन पिलर का ही गिरा दिहीन, जेकर वीडियो पीड़ित पक्ष पुलिस को दिहीन। पर चोराटा पुलिस अपने पुरानी चाल के तहत दोनों पक्षन के शिकायत मिले और जांच कराई के बाद कई के मामला का दबाव में लगी है। वह पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के मामले के निष्पक्ष जांच कराई के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के मांग करी। नहीं संतोष कुमार मिश्रा जी, क्या है आपके वीडियो उपलब्ध कराया जिसमें कई लोग घर के अंदर आपके हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, भवन गिरा रहे हैं, पूरा घटना बताइए क्या है? सर, हम सुबह जब सो के उठे तो 20-25 लोग के अंबिका वगैरह कि उसके गुंडे हमारे घर को घेर लिए, तोड़ फोड़ करने लगे, हमें मारने के लिए दौड़ा लिए, हम भाग के भीतर के अंदर घुस गए। इसके बाद वो लोग तमाम हमारी गाड़ी घोड़ा सब तोड़ फोड़ के ट्रैक्टर से लेके, हरा रंग का ट्रैक्टर था ऐसा, उससे ठोकड़ मार के हमारी स्कॉर्पियो के आगे शीशा फोड़ दिया, एक ही स्कॉर्पियो पीछे फोड़ दिया, ट्रैक्टर की लाइट तोड़ दी, जो डंडा पाई 1200 फीट रखे थे उनको ट्रैक्टर चढ़ा के रौद के तोड़ दिया। नगर निगम के वार्ड 45 के दुर्दशा केहू से लुकी नहीं आए, चाहे वह पास कॉलोनी हो, पुराना रीवा हो या फिर नव निर्मित कॉलोनी, हर जगह
सड़क पानी और नाली की किल्लत वार्डवासी झेलल लहमा। वहाँ 15 साल से नरकी जीवन जिए वाले वार्ड क्रमांक 26 पोखरी टोला के लोगन के अब आक्रोश फूट चुका हवे। वार्डवासी यहाँ तक तय कर ली कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इतना नहीं, वार्डवासी यह बताएं कि अब अपने वार्ड में एक बैनर लगवाऊ जो ने मैं ये लिखा हुई कि नेतन के प्रवेश निषेध हवे। क्या नाम है भैया आपका? विजय तिवारी। ये कौन सी जगह है? ये पोखरी टोला है, 26 नंबर वार्ड। यहाँ कैसा विकास है? विकास आप देख सकते हो, आप इधर देखिए विकास। यहाँ मंत्री जी कई बार इसका उद्घाटन कर चुके हैं, महापौर जी कर चुके हैं, लेकिन आज तक रोड की हालत देख सकते हैं आप। आप देखिए इधर कैमरा घुमा करके, ना यहाँ नाली है ना रोड की कोई व्यवस्था है। कई बार आश्वासन दिया गया, उनसे मुलाकात भी की गई, उन्होंने कहा ये स्वीकृत हो चुकी है, बन जाएगी, लेकिन आज तक यहाँ पर बरसात के, ये तो अभी ठीक है इस टाइम पर देखिए आप, लेकिन बरसात के समय तो यहाँ लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता, पैदल नहीं निकल सकते, गाड़ी वोड़ी की तो बात आप मत करिए। जब नहीं सुन रही तो हम ऐसे को वोट देकर क्या करेंगे? टैक्स लेने के लिए एक महीना एक साल का टैक्स नहीं दो तो दूसरे साल में उसका आजकल सब प्रावधान बना दिया है कि टैक्स ले रहे हैं, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, सारे टैक्स ले रहे हैं, यहाँ तक कि हर एक चीज़ के लिए टैक्स ले रहे हैं, तो क्या रोड पानी कौन बनवाएगा? हमारे यही है कि जल्द से जल्द हम लोगों का इतनी गंदगी फैली हुई है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम लोगों की शासन प्रशासन हमारी। बुलेटिन की अगली खबर बैकुंठपुर से है भाई, जहां झोला छाप बंगाली डॉक्टर के लापरवाही तरीके से इंजेक्शन लगाए के कारण एक युवक की मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिवार थाना पहुंच के शिकायत दर्ज कराई, तब बैकुंठपुर पुलिस 304A मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम के धारा 24 के तहत का मामला पंजीबद्ध कर ली। बतावा जा रहा है कि बंगाली डॉक्टर SK समझदार के क्लिनिक में ही पहुंचे बसंत कोल मरीज के लापरवाही तरीके से इंजेक्शन लगवाई से मौत हो गई। देखने वाली बात यह हुई कि इतनी बड़ी घटना हुई के बाद जिला प्रशासन झोला छाप चिकित्सक के खिलाफ कोनो मेर के कार्रवाई करत थी या फिर आम जनता यही मेर से इनके हाथ लूटत और जान गंवावत रही। बुलेटिन की अगली खबर माही, पुलिस प्रशासन दीप लाज संचालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी। पुलिस प्रशासन के मौजूदगी माही नगर निगम के उड़नदस्ता अमला दीप लाज का ढहाए दिन। अपना का साथ है यह बताए दी कि कुछ समय पहले यहाँ सेक्स रैकेट संचालित होए पर बड़ी कार्रवाई की गई रही। जौने माही आधा दर्जन महिला और ग्राहकन के साथ होटल मालिक और मैनेजर का गिरफ्तार करके जेल भेजा गा। एक दिन पहले नगर निगम होटल संचालक का चेतावनी दे रहे कि अवैध निर्माण का हटाए लें, लेकिन होटल संचालक के मामला का गंभीरता से नहीं लिहिन। जौने के बाद शुक्रवार का ही भारी पुलिस अमला के मौजूदगी में अवैध निर्माण का तोड़ दिन गा। और यहाँ पर अवैध व्यापार भी हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन नगर प्रशासन बगल में गुस्सा लॉज है उस पर भी कार्रवाई होगी। रीवा लोकायुक्त पुलिस एक दरकीपुन के घूसखोर पटवारी का रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार के निंजोने के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धारण के तहत कार्रवाई की गई है। मामला सतना जिला के मैहर तहसील के अमदरा किया है, जहां पटवारी हल्का पलौहा तहसील मैहर महादेव मवासी का ही 2000 रुपया के रिश्वत लेत लोकायुक्त पुलिस धर दबोचिन। आरोपी पटवारी शिकायतकर्ता उमेश कुमार द्विवेदी पलौहा से जमीन के सीमांकन के बदले रिश्वत के मांग करे रहे हैं। शिकायतकर्ता घूस मांगे की शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खंडेल से करी, जौने के बाद पुलिस जाल बिछाई और उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में ही निरीक्षक प्रवीण कुमार के साथ 12 सदस्य टीम का लेके ट्रैप कार्रवाई करी। तो भैया बहरी आज के बुलेटिन में इतना ही, बघेली में खबर देखने के लाने देखत रही मारविंद के बघेली समाचार, साथ ही चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी। नमस्कार।